के सौसर में कांग्रेस कमेटी ने किसानों की मांग को लेकर आमरण अनशन जारी रखा हुआ है। पिछले 6 दिनों से कांग्रेस का अनशन जारी है। इस अनशन में करीब 3,000 किसान शामिल हुए। वहीं कांग्रेस ने किसान महारैली का भी आयोजन किया और तहसील कार्यालय का घेराव किया। माफ कीजिए, आक्रोशित भीड़ ने तहसील कार्यालय पर पथराव और चक्का जाम करके अपना रोष जाहिर किया। साथ ही सीएम शिवराज सिंह का पुतला दहन भी किया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को उनकी बातें मानने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सभी ने अपना अनशन तोड़ा। 11 तारीख से कांग्रेस के नेता, 3 नेता आमरण अनशन पर बैठे थे। कुछ मांगों को लेकर, कपास के समर्थन मूल्य को लेकर, बोनस को लेकर, और जो कपास कब कीमत में खरीदा जा रहा है इसको लेकर शासन से मांग थी उनकी। और वो भली बात जानते हैं कि कपास के मूल्य का निर्धारण केंद्र सरकार के अधीन होता है। लगातार अनशन किया जा रहा था। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार करीब काफी संख्या में, 4-5 हजार की संख्या में किसान हमने एक रैली निकाली और तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है, चक्का जाम किया है, और पुलिस बल ने उसको नियंत्रण भी किया है। और जहां तक जानकारी मिली है अनशन को तो वही। दूसरी तरफ खिलचीपुर में भी कांग्रेस ने बस स्टैंड परिसर पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का जमकर विरोध किया। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस ने नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों पर भी असहमति जाहिर की। बीजेपी के विरोध में कांग्रेस ने पूरे नगर में एक रैली का भी आयोजन किया। वहीं बीजेपी विरोधी नीतियों के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। उधर बीजेपी के विरोध